लज्जो खाऊं थे दारूबाज कपूत, आज मैं उसकी हड्डी पर्ची तोड़ दूंगा। उसने हमारे घर का नाश कर दिया। अरे के बात होगी लाला जी, कैसे गुस्सा कर रहे हो मेरे बेटे पे? क्या कर दिया उसने? फालतू की बकवास तो कर मत ना। उस बेवड़े को मेरे सामने लेकर आज इस घर का फैसला होकर रहेगा, उसको बेदखल करूंगा इस घर से आज। देवना है घर में, वो तो सुबह ही चला गया, अभी तक तो आया नहीं है। तेरे बेवड़े पूत ने पूरे गांव में मेरे नाम पर थू थू करवा रखी है। इसने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। भगवान न जाने कौन से पाप की सजा दी है हमें, जैसी बेवड़ी औलाद मिली हमें। अजी लाला जी, वो पैदाइशी दारूबाज ना था, गलत संगत में पड़ के बिगड़ गया, समझ जाएगा, एक दिन सुधर जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तुम गुस्सा मत करो। इस गलतफहमी को मन से निकाल दे लज्जो, तेरा देव अब सुधरने वाला नहीं है। पता उस रात क्या हरकत करी है? ऐसी क्या हरकत कर दी आज उसने जो इतना नाराज हो रहे हो? उस निकम मैंने फजलू दूध दिया सर, मेरे नाम पे 1000 रुपया कर्जा उठा लिया। आज मिला था फजलू मुझे बाजार में, उसने मुझे बताई, इस मारे मुझे गुस्सा आ रहा। हे भगवान, इस छोरे का मैं क्या करूं? उसे झूठ बोल के कर्जा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर उसे पैसे की जरूरत थी तो तुमसे कह देता। मेरे से कैसे मांग लेता? उसे कौन सा सामान खरीद के लाना था? उसके हाथ में खुजली हो रही होगी ना जुआ खेलने के लिए, या दारू पीने की ढगड़ टूटी होगी। मुझे पक्का विश्वास है उस टाइम कहीं ना कहीं या तो जुआ खेल रहा होगा या दारू पी रहा होगा। भगवान मुझे कैसे कैसे खेल दिखावे लज्जो। उसने हमें दो दो बेटे दिए, बड़े वाला तो नालायक निकलेगा, मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है, और छोटे वाला प्रेम, वो हमारा खरा सोना है। मुझे उम्मीद है और पूरा यकीन है एक दिन पढ़ लिख कर वो कलेक्टर बनेगा और हमारी गरीबी को वही दूर करेगा। तुम ठीक कह रहे जी, मेरी भी आत्मा गवाही दे रही है कि हमारा प्रेम एक दिन कलेक्टर जरूर बनेगा। पता नहीं इस वक्त कहाँ होगा, वो हॉस्टल में होगा या कॉलेज में होगा। अरे वो उड़क चुल्लू, यू किताब सिर पे धर के के सांग कर रहा तू? प्रेम भाई, मैं से सिर पे धर के सांग न कर रहा, जितना भी ज्ञान इस किताब में लिख रहा ना उसे डायरेक्ट अपने दिमाग में कॉपी कर रहा। अरे मूर्ख, यू कौन सा तरीका ढूंढ के लाया तू ज्ञान हासिल करने का? भेड़ के फुप्पा, ज्ञान हासिल स्टडी करने से आवे, ना कि किताब सिर पे धरने से। ओ पढ़ाकू पपैये, ज्यादा पै पै ना करे। स्टडी करने का ये चाइनीज स्टाइल है जो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मन्नू के पास है। बेटे जो तू इसी स्टाइल से पढ़ाई करता रहा, फिर तो तू बन लिया कलेक्टर, फिर तो तू हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर बन सके, वो भी कच्चों में। तू तो मेरे टैलेंट तक किल्स है, क्यों तू भी बागपत का, मैं भी बागपत का, तू मेरा दोस्त नहीं मेरा दुश्मन है। जा, मैं तेरी गैल नहीं बोलने का, तेरी मेरी कुटक टूट गई। अरे मेरे यार, तू आदमी है पिटीकोट जो अपने यार की मजाक का बुरा मान गया? चल भाई, तुझे मेरी मजाक बुरी लगी तो मैं अपने शब्द उल्टे ले लेता हूँ। पिंकी, अरे मेरी जान, मेरी पिंकी, तू गत इस मन्नू को अपना लवर बनावेगी? अरे मेरी जान, मेरी जाने मन, तेरी खतर तो मन होर लड़की की डबकू है उठा कर देखा भी नहीं। अरे यार पूजा, तू आड़े खड़ी से और मैं तुझे सारे कॉलेज में ढूंढ आई। क्यों, कोई खास बात है जो तू मुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ आई? पता नहीं क्या डंगा ले रही थैली में। अरे नामरत बुट्टी ले रही, कोल्ड ड्रिंक है। अरे यार, मैं तो फ्रूटी लेकर आई थी, मैं एक पूजा पी लेगी, एक मैं पी लूंगी। अरे यार फ्रूटी या तो मेरी फेवरेट है, और इसने देखते तो मेरे मुंह में पानी आ जाए। अरे प्रेम, तू यहीं रुक, मैं भी आ लिया। अरे मेरे ससुरे कहाँ जावे? अरे जो ये है ना पेली टी शर्ट पहन रही पिंकी, यह मजा घनी प्यारी लगे, इसे देख के मेरे दिल में झुनझुना बजे, मैं इसे आलिया भी बोल का आ लिया। अरे मेरे ससुरे, मैं नू कह रहा हूँ आज के चक्कर में मत पड़े, कहीं ऐसा ना हो तेरे मुंह का नक्शा बदल जा। अरे तू तो मेरे सारे कामों तक किल से है, क्यों तू भी बागपत का और मैं भी बागपत का,
ले मेरी किताब पकड़, मैं ब्याह लिया पिंकी को आले भी बोल के। अरे मेरी प्यारी पिंकी, केली केली सूट रही फ्रूटी, या फ्रूटी तो मुझे भी बहुत पसंद है, इसे देख के तो मेरे मुंह में भी पानी आ जा। पहले मैं थोड़ी सी फ्रूटी पीमा, फिर तुझे अपने दिल की बात बताऊंगा। क्या की बदतमीजी से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ में से फ्रूटी छीनने की? ये सारे छोरे ना इतने छिछोरे हुए हैं, अक अपने छिछोरे पनते बाज नहीं आंदे। पूजा, छिछोरा ना हूं मैं, छिछोरा बोल के मेरी इंसल्ट ना करे, मैं तो पागल हूँ, पागल पागल प्रेमी। पागल प्रेमी के मतलब? अरे मेरी भोली भाली कबूतरी, अपने अकल का दरवाजा खोल दे और मुझे आई लव यू बोल दे, कसम हीर रांझे की मैं तेरे से बहुत प्यार करूं। आए पिंकी, यो मनु तो तेरी गेला लव स्टोरी चालू करने की कोशिश करने लाग रहा है, तू बता दे तेरा के विचार है, तू इस गेला सेटिंग करेगी और किसके मुंह पर रेपटे बजाओगी? सेटिंग तो मैं इससे जरूर करूंगी, पर पहले मैं थोड़ा मजा चखाऊंगी। अरे तू मुझे कुत्ते की ढाल क्यों पीट रही? मैं तो तेरे से प्यार करूं, प्यार। बेईमान, जब तू मने प्यार करे था तने इतने टाइम क्यों लगा दिया इजहार करने में? मैं इसलिए अपना गुस्सा उतारी तेरे पे। इसका मतलब क्लियर हो गया, अब तू मेरे से प्यार करे फिर तो कोई दिक्कत नहीं, मार मेरे, मार। अरे मार मार या मार या मार 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 या। एले भाई, मिलगी से खुराक, इसने अच्छी छोरी पटाई, छोरी ने कर दी इसकी कुटाई, इसे तो चल के बचाना पड़ेगा भाई। मार मार मार, रुक जा रुक जा। पिंकी मैडम, इस बेचारे को तू माफ कर दे, यू आज के बाद तेरे पे लाइन नहीं मारेगा, यू आज से तुझे अपनी बहन मानेगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। अरे वो गारंटेड के चोदे, इभी तो मेरे प्यार की गड्डी स्टार्ट भी ना हुई, तू पहले ही बांड बना के उसमें पिंचर कर रहा, तू मेरे तो चले क्यों, तू भी बागपत कर मैं भी बागपत का। अच्छा तो इसका मतलब तेरा मामला सेट होगा, पर मुझे नू बता, जब तेरा मामला सेट होगा था तो ये पिंकी तेरी धुलाई क्यों कर रही थी? माय डियर फ्रेंड, प्यार करने वालों को ये पिटाई के छोटे मोटे इम्तिहान तक गुजरना पड़े, पर यह बात तेरी समझ में नहीं आने की, पर यह बात तेरी समझ में जीप आओगी जीप तजा किसी तक प्यार हो जाएगा। चल इम्तिहान खराब कर रहा, आजा स्टडी करेंगे। अरे एक आध सुट्टा मने भी दे दे, तू इच्छा से जागा इसने। बिरजू बिरजू उस्ताद, मने एक बात बता, हम पढ़ते लिखते तो है नहीं, कॉलेज में हमें मौज मस्ती करना है, घर को चलते से, और जो हम फेल हो गए तो कॉलेज में हमारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? बेटे रंगीले, कॉलेज में कुकर बेइज्जती हो जाएगी, ये चौधरी धर्म सिंह नंबरदार का कॉलेज है और मैं उसका एक लौता वारिस, हमने कौन फेल कर सका, साड़ी ने सस्पेंड न करा दू। सही कट्टे की बात कही बॉस ने, हमें तो कॉलेज का डिंग भी फेल नहीं कर सकता। रब्बा उड़ो, इस कॉलेज में मेरे नाका सिक्का चल रहा था, सिक्का और बिगड़ पड़े हम तो बढ़िया नंबर तो पास हो जाएंगे, पास। अरे ओ याना, यहाँ सुन रहे, मेरी सासू को न्यू कह रहे हो? हाँ जी, तुम्हें बड़े छोटे के लिहाज से नहीं कुछ, तुमने न्यू नहीं बेरा यहाँ बिरजू लंबरदार खड़ा। तुम दोनों खगड़, बिरजू बोस के पैर छुए बिना जा रहे सो, चलो पैर छुओ बोस के, आशीर्वाद लेकर जब जाइए पढ़ने। अरे क्यों उन लोगों डाल लगा बस है, जो तने काम बताया पूरा क्यों नहीं करता? एक बात सुन लेना भाई, यदि चैन सुकून से तुम्हें इस कॉलेज में पढ़ना से तो दिन में एक बार तो बिरजू बोस के पांव छूने पड़ेंगे। यार लंबू, हम कॉलेज में पढ़ाई करना है, झगड़ा करना तो आए नहीं, तो इनकी बात मान लेते हैं। ठीक से इनके पैर छू लेते हैं। जाओ।
बिरजू बोस, कॉलेज के सारे स्टूडेंट तेरी इज्जत करे से, पर वह पूजा तेरी इज्जत नहीं करती, तू उसके पेस्ट टाइज क्यों नहीं करता? रबावली पूछ, वह जानने मन से मेरी मना जीता प्यारी लग गया वा, इस मार तो मैंने छूट दे रखी उसते ना तो बोले उसकी आंट लिगाड़ देता। हीरो लेकर कहाँ जा रहा है? क्लास में जा रहा हूँ, और कहाँ जाता? क्लास में जाने से पहले हर स्टूडेंट बिरजू नंबरदार के पैर छू के जावे से। हाँ पैर छू मेरे। हाँ भाई मनोज उर्फ मन्नू, जो यू बिरजू कह रहा है यू काम करना पड़ेगा। सुन भाई प्रेम, तू आया कॉलेज में नवा और ऊपर तो मेरे बागपत जिले का रहने वाला, मैं तुझे बता रहा जो बिरजू है ना यू दबंग बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, यू सारा कॉलेज में उले थोड़े काम करता रहे। तो भाई हदा इसी में इसके पांच छूले और निकड़ ले, नहीं तो पढ़ाई में मुश्किल पैदा कर देगा तेरी यू। अच्छा रे, इतना बड़ा मामला है इसका, ये तो इसके पैर भाई छूने पड़ेंगे। चलो छू लेते हैं, पैर छूने में के जा रहा, ले पकड़िए मेरी किताब। सॉरी भैया, सॉरी सॉरी। अरे बिरजू भैया तो गिर गए भाई, बिरजू भैया सॉरी। वैसे तुम गिर क्यों गए? तारे शरीर में दम ना आगे, दूध दही खाए करो और सेहत बनाए करो, शरीर में ताकत पैदा कर ले ना। कोई किसी दिन मेरे जैसा भिड़ गया ना तो तेरा नींबू सा निचोड़ दे होगा। मुना चूतिया मान रहा के यार कतना जान बूझ गया करीस है, इसकी कीमत तना चुकानी पड़ेगी। बिरजू बोस, इसने तो तेरी तगड़े वाली बेइज्जती कर दी, इसके मुक्का मार के इसके दांत क्यों नहीं तोड़ देता यूपी वाले के? बॉस यो मनोज का बच्चा से ना, इसकी भी नाक पर मुक्का मार के इसकी नक्सली छुटा दो। बिरजू भाई मैं तो थारा काला बिजार हूँ, ऊपर तक चार दिन तक बीमार हूँ, तब माफी लड़ाई में मेरे को नुकसान करो भाई, मुझे तो माफ करो। अरे यार मनोज, तू भी इन कान खजूरों से डर रहा, तू चिंता मत करे, इन साड़ों को मैं अकेला देख लूंगा। यूपी वाले बिरजू नंबरदार सु मैं, मन्ने जानता नहीं तेरी जिंदगी ना झंड कर दूंगा। अरे ये गिद्दड़ धमकी किसी और को दिए, मैं तेरे इन डायलॉगों से डरने वाला ना हूँ। अरे बात सुन, मैं पढ़ाई करने आया हूँ, लड़ाई करने ना हूँ, ना थारे जैसों का यहाँ एक मिनट में बन्नू उठा दूंगा। चल भाई मनोज। अरे भैया इतना पैसा नहीं बचता, बट्टे बट्टे में जो तुम हर बहने आ जाओ, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। अच्छा रुक जाए भी, नंबरदार जी को फोन मिला लूं। मिला ले तू जिसे मिलाना, पैसा नहीं मेरे पास। हेलो चौधरी साहब। हाँ चंद्र बोल, के बात से? बट्टे वाला पीछे देने में अन्ना कर नहीं कर रहा हूँ, ये करना है इसका मन्ने नु लग गए। जो साला बट्टे वाला अपनी औकात और मेरा नाम भूल गया दिखा, धर्मवीर सिंह लंबरदार का, इसने तकड़ी सी खुराक दे और नाम याद दुआ मेरा। बस मैं अपना आप देख लूँ, मैं जाओ मने बड़े जा गाड़ी की चाबी देना, दोस्तों के साथ घूमने जाना सा है। ले बेटे घूमने तो चले जा, पर मैं कहूँ था खाना तैयार है, खाना खा के जाइए। पिताजी खाना तो तुम ही खाओ, मैं तो सुखदेव के परांठे खा खाऊंगा। शाबाश जियो मेरे शेर। हाँ चंद्र बोल। चौधरी साहब वो दे दी मन्ना खुराक उसे, पीछे दे दिए उसने। हाँ पीछे पीछे ले लिए उसे, हॉस्पिटल ले जाने लग रहे। काम तो अच्छे से कर दिया उसका पूरा। काम पूरा जी सर। यार पूजा, जब से मुझे मन्नू ने आई लव यू बोला ना, बेरा ना यार मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता, पता ना के जादू कर दिया। यो प्यार का जादू है मेरी लाडो, अरे यो सिर पर चढ़ के बोल लिया करे, ख्याल राखी अपना, कदे तू बावली ना हो जा। हर पल हर घड़ी दिल में गुदगुदी सी होवे से। सच बताऊं पूजा, तू भी अपने दिल की किसी छोरे से अदला बदली कर ले, कसम तय तेरी लाइफ भी रंगीन हो जावेगी।
है एक बाका छोरा मारे कॉलेज में, जिसने देखते मेरे दिल की धड़कन तेज हो जा है, पर उसने इब लग अपने प्यार का इजहार ना करा। अरे कौन से वो छुपा रुस्तम, मन ने भी बता दे उसका नाम, जिस पे घर बैठी तू दिल कुर्बान। ना ना इब्बे ना बताऊं, सही समय आन दे फिर बताऊंगी। अरे तू चल कॉलेज में, देर हो लग रही है। अरे क्या हो गया, पिंचर होगा अब, पेट्रोल खत्म हो गया। अरे भाई ना इसमें पिंचर होया ना इसका पेट्रोल खत्म होया, ये दोनों लड़की इतनी गर्मी में पैदल चल के कॉलेज जा रही हैं और हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। भाई ये बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, मैं तो इन दोनों को बाइक पे बैठा के लेके चलूंगा। अरे वाह मेरे यार, तन्ने तो मेरे मन की बात कह दी, मेरी पिंकी इस धूप में चल चल कर काली कलुट्टी हो जाएगी, पर मैं से काली कलुट्टी होने नहीं दूं। आ पिंकी मेरे पीछे बैठ, मेरी कोली भर ले, कभी तू गेंद की डाल उछल के गिर पड़े। मेरी इतनी चिंता करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखा प्रेम, मनोज पिंकी की कितनी चिंता कर रहा है। अरे मैं मेरी कोई चिंता ही नहीं करता, और ना मेरे किसी ने बाइक पे बिठान की कही। अरे पूजा मैडम नाराज क्यों हो रही है, मैंने तुम दोनों को बैठाने के लिए तो बाइक रोकी है, आओ बैठो बाइक पे। चल रहा काड़ू नीचे उतर। अरे मैं क्यों उतरू नीचे, मैं तेरे पक्के वाला यार नहीं। अरे काड़ू के बच्चे, जब तू सीट खाली करेगा जबी तो ये दोनों बैठेंगे, अब उतर रहा नीचे या कोहनी मार के नीचे गेरू। तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा पक्का दुश्मन है, मैं समझ गया, तू मुझे नीचे उतार के मानना का। थारी दोस्ती बिना सुत्ती है, हर समय तो तू तू मैं करते रहो हूँ, और फिर भी इतने बेस्ट फ्रेंड हो। मारी यारी जान से भी प्यारी है मैडम, हम यूपी वाले जिसे अपने दिल में एक बार बसा ले ना, उसका मरते दम तक भी साथ ना छोड़ते। शायद तने मारे हरियाणा वाला के बारे में जानकारी कोनी, हम यार और प्यार खातर जान देने ते भी कोना चुकते। एक यूपी वाले छोरे ते मन प्यार हो गया, मन प्यार हो गया। एक यूपी वाले छोरे ते मन प्यार हो गया। इबी तो दोनों पटर पटर बोले थे, फिर ये अचानक साइलेंट मोड पर कैसे पहुंच गए। मुझे तो ऐसा लगा इनकी बेटी डॉन होगी दिखे। ए पूजा कौन से ग्रह में पहुंच गई, कॉलेज ना जाना के देर हो रही, चल जल्दी बैठ जा बाइक पे। हाँ चल बैठ। अग कु तो ले, अरे इसमें तो जंगाई ना बची, मैं कहाँ बैठू। अरे तू बैटरी रिक्शा में आ जाए, 10 रुपए दे के। अरे यू बढ़िया ना कर रहा तू, गलत बात है तेरी या बढ़िया बात ना तेरी। चाचा राम राम। राम राम जी, राम राम, आओ बैठो। मैनू कहना चाह रहा जी, एक बड़ी ऐसी डोली पॉप है के जी। आओ ये बढ़िया मिलेगी। क्या पैसे की है जी? 2 रुपए की है भाई। एक दे दो। लो जी 10 का नोट। ₹8 तो भाई खुले हुए नहीं है। खुले नहीं है तो एक काम करो, ₹8 का मैं फिर कभी सामान ले लूंगा। ले लिया जी, ये आप ही दे लीजिए। तो और बढ़िया रहा जी। देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, IAS IPS की पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है पढ़ाई कर उसका एग्जाम पास करना, समझे? सर जी इस बात का तो हर एक को पता है, आप हमें कोई ऐसा गुरु मंत्र दो जिसे यूज करके हम सब अपना एग्जाम आसानी से पास कर ले। प्रेम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आज तो आप हमने कोई जादू मंत्र दे ही दो। अरे पूजा मन लाग गया तेरी खोपड़ी में दिमाग को नहीं। अरे बावड़ी, जो गुरु जी के पास में ऐसा गुरु मंत्र होंदा तो ये एग्जाम पास करके खुद ना कलेक्टर बन जाते।
ए चुप नालायक, ज्यादा बकवास करेगा तो नंबरदार जी से शिकायत कर दूंगा। अजी मेरे पापा तो खुद ही आठवीं फेल से, आप जैसे पढ़े लिखोगे उनकी बात समझ में कोई नहीं आती। अरे भाई तू अमीर बाप का एकलौता बेटा है ना, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू मेरी क्लास में चुपचाप बैठा रहे कर। मैं आई कम इन सर। कम इन इन, अब इन तो हो ही गया, अब क्या मेरे सिर पे बैठेगा? जा सीट पे बैठ जा। हाँ वे कलेक्टर साहब, तू ये बता आज इतना लेट क्यों आया? अजी के बताऊं सर जी, मैं तो एक घंटा पहले आ लगता, पर के करूं जी, मेरे एक जिगरी यार ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे बीच रास्ते में बाइक पे उतार के किसी और को लेके आ गया। इब आप ही बताओ सर जी, 4.5 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, मेरे शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं बचा जिसमें तो पसीना ना निकला हो। कलेक्टर की पढ़ाई करने के लिए लोहे के चने जमाने पड़ते हैं, और तू इतनी मेहनत से घबरा गया? अजी मैं मेहनत तो ना घबरा रहा, मैं तो अपने जिगरी यार की गद्दारी तक दुखी हूँ जी। मैं तो असारा इस गद्दार यार को गैस के गुब्बारे में बैठा के और मंगल ग्रह की डबकू भेज दूं। अरे आजा मेरे यार बैठ जा, पहले पढ़ाई कर ले, नाराजगी बाद में दिखा लिए। मैं आज तुम लोगों को कलेक्टर की पढ़ाई के साथ साथ एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी सामान्य नॉलेज भी बढ़ानी पड़ेगी, समझे? या है लॉलीपॉप, एक काम करिए अपने घरु जाके कमरे में बढ़ के दरवाजा बंद करके बिल्कुल एकांत में बैठ के इसे आराम से चूसिए, खूब मजा आवेगा। बड़ी कीमती चीज लेकर आया तू, जो इसे अकेले में बैठ के मैं बंद कोठे में चूसूंगी, जैसी तेरी सिकल ऐसी तेरी चीज, तू ही चूस लिया इसे। फ्रेंड्स आप सबको पता है कि कल कौन सा दिन है? हाँ पता है, कल बुधवार से। अरे बुध का दिन तो बहुत शुद्ध हो, बुध के दिन कभी युद्ध नहीं करना चाहता, नहीं तो सारे काम विरुद्ध हो जा। रे इडियट, मैंने तेरे ते बुध की डेफिनेशन ना पूछी, मैंने तो कुछ और पूछा है। क्या गोड़ गोड़ के घुमावे से, सीधी सीधी बोले ना, के चावे से? कल 5 सितंबर है, यानी कि टीचर्स डे, यानी शिक्षक दिवस। चल हम मान गए कल शिक्षक दिवस है, पर तूनू बता तू कहना के चाह रही? मैं नू चाहूं हूं कि कल आपा टीचर्स डे मनावे, एक रंगारंग प्रोग्राम करे और अपने टीचर्स का मान सम्मान बढ़ावे, तो बताओ कैसा रहूगा? और मजा ही नहीं आ जाएगा? यो प्रोग्राम करने में रुपए भी तो खर्च होवेंगे, वो कितना आवेंगे? पूजा रानी, जब प्रोग्राम आपा करेंगे तो रुपये का इंतजाम भी आपा ही करेंगे ना, आपा सारे जने चंदा इकट्ठा करेंगे और प्रोग्राम में दुम्मा उठा देंगे। भाई पूजा तेरा ये आइडिया मुझे बहुत बढ़िया लगा, ले इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले चंदा मैं दे रहा हूं, ले 500 रुपए। तू इस कॉलेज की रौनक है पूजा, तू जो भी काम करे ना कसम से मुझे बहुत बढ़िया लगे, मैं तुझे सलूट करता हूँ। जब तू पूजा को सलूट कर सके, मैं भी तो उसकी सहेली को सलूट कर सकूं। पिंकी सलूट। बिरजू बॉस, यू के खिचड़ी पकड़ी से हमारे कॉलेज में यूपी के ये दोनों जमूरे इन कबूतरों पे लैन मार रहे से, और हम उल्लू की तरह देखने लाग रहे। जो रंगीला ठीक कह रहा है बॉस, ये यूपी वाले हमारे हरियाणा के माल पे हाथ साफ करना चाह रहे। बिरजू नंबरदार सु, मैं यूपी वालों की चाल कदा कामयाब नहीं होने देने का। अरे थम के कुसर पुसर कर रहे हो, चलो चंदे के पीछे निकालो। ले
मेरी तरफ से भी 500 का ले। चल बिरजू तू भी निकाल। टीचर्स डे के प्रोग्राम में जो तू सपना चौधरी की डाला तुम कल आगे दिखा देना तो सारा खर्चा मैं उठ लूं। बिरजू बिरजू मेरा हाथ छोड़, के बदतमीजी है यार। बिरजू अपनी मर्जी से हाथ पकड़ा तो अपनी मर्जी से छोड़ दे। साले बिरजू प्रेम प्रेम छोड़, इसने साले छोड़ दे जान से मार दूँगा। मेरे समय इसकी हिम्मत क्या जो कि पूजा का हाथ पकड़ने की, आज मैं इसकी साड़ी की सारी गर्मी दिखाऊंगा। जान से मार दूँगा। अरे प्रेम तुझे पता ना इसका पप्पू बहुत बड़ा बदमाश है। प्रेम तेरे मेरी कसम है छोड़ दे इसने, प्लीज प्लीज छोड़ दे इसने। पूजा आज तने इसकी जान बचा ली ना, इस साड़ी की आज मैं आरती उठवा देता। फिर जो नंबरदार नाम से मेरा यूपी आले, इस बेइज्जती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तन्ने। साढ़े एक मिनट से पहले चला जा ना तो तेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूँगा। अरे मेरे सुपर हीरो तेरे दिमाग में तो बहुत गर्मी फंस रही, आ कैंटीन में तेरा ठंडा पियम्मा आ। छोरे ते मन प्यार हो गया, मन चाल मेरी जाने तने भी ठंडा पिया लूं। एक यूपी आड़े छोरे ते मन प्यार हो गया। अरे मेरे यार तू यहाँ बैठा, मैं कैंटीन में ढूंढ रहा था तुझे, मैं तो ठंडा पिया आया। जो तू कहता मैं तेरे लिए ठंडा यहीं ले आऊं। अरे यार मुझे ना बिना ठंडा वंडा, तू थोड़ी देर चुप बैठ जा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। भाई वो काम तो बढ़िया हो गया जो तने ठंडा पीने को ना कर दी। अरे मेरे 20 रुपए खर्च होने तक बच गए। यार एक बात तो बता, ऊ तो इतने शांत स्वभाव का है पर आज अचानक तेरे कसीमिर की उठ गई जो तने छोटी सी बात पे बिरजू का टैटवा दबा दिया। यार उस लफंगे की मेरे सामने पूजा का हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे होगी, मेरे से उसकी बदतमीजी बर्दाश्त न हुई। जो पूजा अपनी कसम ना देती ना मैं आज इस साले बिरजू को जान से मार देता। क्यों भाई पूजा तेरी रिश्तेदार लगा है जो तन्ने उसकी खतर इतने खतरनाक आदमी का पंगा ले लिया। तुझे पता उसका बापू कितना खतरनाक आदमी है। यार पूजा का मेरा इस जन्म का कोई रिश्ता तो है नहीं पर जब वो मेरे सामने आवे ना उसकी मिठी मिठी मुस्कान देख के मेरे दिल में कुछ कुछ हो जावे, ऐसा लगे उसका और मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। यार तेरे दिल की हालत देख के तो मजा सा लगे, तो जब पूजे तो प्यार होगा दिखे। अरे यार बताता क्यों नहीं, बताने बता अक तुझे पूजे तो प्यार हो गया। हाँ यार मुझे पूजा से प्यार हो गया। अरे आ गया तू, सुबह से कहाँ था, तुझे पता है तेरा बाप सो भी गया मुझसे लड़ते लड़ते। अरे तू चिल्लाओ मत ना, मुझे दो रोटी ला दे, भूख लग रही है बहुत तेज। ला रही हूँ। अरे कहाँ है एक रोटी? ले खा ले रोटी। देव तू इस घर का बड़ा बेटा है, इस घर परिवार को संभालने की तेरी जिम्मेदारी है, तू अपनी जिम्मेदारी संभाल ही ना रहा है, जुआ शराब में जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अरे माँ दो रोटी चैन से खा लेंगे फिर दे लिए भाषण। मैं भाषण ना दे रही, मैं तेरी माँ हूँ बेटा,
मुझे तेरी चिंता सतावे इसलिए कह रही हूँ मैं। इन कामों कुछ ना रखा बर्बादी के सिवा, इन कामों को छोड़ दे, इनमें बर्बादी बर्बादी, मेरी बात समझ जा। अब भी तो बिल्कुल ठीक कह रही माँ, मैं तेरी बात समझ गया, तेरी सारी बात मैं आज समझ गया। तू समझ गया? अगर तू समझ गया तो अभी मेरे सामने संकल्प ले कि आज से तू कोई बुरे काम नहीं करेगा और अपने पिताजी के साथ मेहनत करेगा, उनका हाथ बटाएगा। ठीक है, मैं संकल्प ले रहा हूँ, आज से पीछे कोई गलत काम नहीं करूँगा। जुआ, दारू, चोरी चकारी सारे काम बंद कर दूंगा, तुम्हें गांव में कोई उलाना नहीं आने दूंगा। यू देव का संकल्प है, तू मेरा विश्वास कर, आज से पीछे कोई गलत काम नहीं करूँ। अब तो तू खुश? बेटा मैं तो यही चाहूँ तू बुरे काम छोड़ दे, अच्छे रास्ते पे चल, इस घर को संभाल, अपनी जिम्मेदारी निभा। जैसे तू कह रही ऐसे ही करूँगा। अब मुझे तगड़ी नींद आ रही है, मुझे 2 घंटा सोन दे, मुझे दोस्तों के साथ कुछ काम जाना जरूरी है, ले जा तू। ठीक है बेटा, तू आराम कर ले, मैं कुछ काम कर लूँ। मेरी माँ भी बावली दिखे, मेरे तो ऐसा संकल्प लिवारी जिसे मैं 7 जन्म तक भी नहीं कर सकता। अगर मैंने दारू पीनी छोड़ दी तो मैं मरना जाऊंगा। जुगाड़ कर दिया, गैल में नमकीन भी आवेगी। पूजा? हाँ पापा। बेटी तू अभी पढ़ ही रही है? हाँ मैं पढ़ रही हूँ पापा। बेटी पूजा पढ़ाई बहुत होली, ऐसा कर तू सो जा, कभी तेरी तबीयत खराब हो जाए। ठीक है पापा। सभी को मेरी तरफ से राम राम। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज टीचर्स डे पर हमारे कॉलेज के अंदर सांस्कृतिक प्रोग्राम होने जा रहा है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश के अंदर टीचर्स डे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। आज आप सबके बीच में सभी बच्चों के सहयोग से ये सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया है, तो आइए इसी कड़ी में हमारे सामने एक लोकगीत की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं हमारे कॉलेज के सबसे होनहार स्टूडेंट बागपत यूपी से मिस्टर प्रेम चौधरी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। दिल गया, दिल दिल गया, दिल गया यारो मेरा दिल गया। दिल गया, दिल दिल गया, दिल गया कहाँ तेरा दिल गया। वो मेरी रपट लिखा दो चल के चौकी थाने में। हो गया यारो हरियाणे में, मेरा दिल चोरी हो गया यारो हरियाणे में। हो मेरा दिल चोरी हो गया यारो हरियाणे में।
हरियाणे की हूर परी मेरे मन में बस की आरो इस यूपी के छोरे का दिल चुरा के ले गई पारो चुरा के ले गई पारो रे दिल चुरा के ले गई पारो वो हरियाणे की हूर परी मेरे मन में बस की आरो इस यूपी के छोरे का दिल चुरा के ले गई पारो फिर डर के सामने सच्ची बात बताने में हो गया यारो हरियाणे में मेरा दिल चोरी हो गया यारो हरियाणे में ओ मेरा दिल चोरी हो गया यारो हरियाणे में हाँ ना किसवासी बटवासा चाल है ना कण बरगी नैनो से मेरे नैन मिला के मन दीवाना करगी तने दीवाना करगी रे तने दीवाना करगी ना किसवासी मुंह बटवासा चाल है ना कण बरगी नैनो से मेरे नैन मिला के मन दीवाना करगी घनी सुथरी लागे मन वो साते पाने में हो गया यारो हरियाणे में मेरा दिल चोरी हो गया यारो हरियाणे में ओ मेरा दिल चोरी हो गया यारो हरियाणे में मेरा दिल चोरी हो गया यारो हरियाणे में मेरा दिल चोरी हो गया यारो हरियाणे में बिरजू बोस यू यूपी वाला छोरा इस कॉलेज में हीरो बनना चाह रहा और जो यू हीरो बन गया तो थारी इज्जत का तो ढेर हो जाएगा बोस मैंने थारी एक बात समझ में नहीं आ रही तुम इस प्रेम की हड्डी पछली क्यों नहीं तोड़ते तुम इससे डरो के ओए बिरजू नंबरदार शेर है शेर और शेर कदे की तड़ाता नहीं डरा करते सही बात से अगर मैं चाहूं तो उसके गोली मार के एक मिनट में ढेर कर दूं पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता पता क्यों क्यों दुश्मनी का असली मजा दुश्मन ने मारने में नहीं है दुश्मन ने पल पल तड़फान में से तुम दोनों देखना मैं उस यूपी वाले का घना भुंडा असर करूंगा घना भुंडा प्रोग्राम में मजा आ गया प्रेम ने लठ जो गाड़ दिया तन्ने भी बहुत अच्छा डांस करा था तन्ने कजर छोड़ दी है यार ऐसे ऐसे प्रोग्राम तो कॉलेज में होते रहने चाहिए हाँ यार तू ठीक कह रही से मजा ही आ गया यार आज तो कसम से अरे हम यहाँ क्यों खड़े से घरों नहीं जाना के यार रुक जा थोड़ी बार आता ही होगा वो दोनों जने उसकी बाइक पर चल लेंगे ओहो शहजादी पूजा अपने शहजादे प्रेम की सवारी का आने का वेट कर रही है हाँ भाई प्रेमी महबूब की बात प्रेमिका खुद नहीं देखेगी तो और कौन देखेगा अच्छा मखोल कर रही है मेरी गेल तू भी तो अपने उस लंगूर की बात देखने लग रही है तो नहीं भी तो देखे बिना चैन को नहीं आंदा ए मेरे मन्नू को लंगूर ना बोल दिए इतना तो हैंडसम हैगा वो कतई रणवीर कपूर सा लग गया आओ मैडम बैठो मेरी मोटरसाइकिल पे तुम दोनों को थारे घर छोड़ दूं अरे ओ भाई अपनी सवारी को ले जा बैठा के मैं तो अपनी की गैल पैदल ही आ जाऊंगा मन्नू मैं पैदल थक जाऊंगी मने जान देना बाइक पे अच्छा जी तू तो इस खगड़ी से बैठ के चली जाइए और मैं पैदल की यात्रा करूं मजे बेवकूफ मान रही दिखे मैं तो पैदल जम्मा और तो जब पैदल लेके जम्मा और रही बात थकने की जब तू थक जाएगी तो जब गोदी में ठाकर ले चलूंगा
पूजा हाँ तुझे तेरे घर छोड़ दूं कहीं और? ना ना मैं घर आना जाऊं। और कहाँ जाओगी फिर? शहर करूंगी, कितने भी लेके चल। ठीक है, आज तुझे मूर्थल लेके चलूं, वहाँ सुखदेव के फेमस परांठे खुआ के लाऊंगा। जित तेरा जी चावे ना उड़े लेके चल, और आज तो मैं तेरी गिल चांद पे भी जानने तैयार हूँ। अच्छा ऐसी बात है, चल तो फिर। पिंकी ये तो गए चांद पे, तू मेरी गल होटल में चल। होटल? होटल में क्या करेगा? हनीमून मनाऊंगे होटल में। बात सुन ले, शादी से पहले कुछ नहीं होने वाला। पहले घोड़ी पे चढ़ के मेरे घर आवेगा, फिर मेरे से ब्याह रचावेगा, फिर हनीमून मनावेगा। मुझे तो ऐसा लगे तू मेरे 15-20 लाख में अगला गुआ कमाने की। हाँ रुक रुक आ गया मेरा घर। इबीस पे इधर रहोगा के भीतर ना आवे के? आजा तेरी खातिरदारी करूंगी। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो चल। आओ कलेक्टर साहब, आपकी खातिर कुर्सी ले आऊं मैं। अच्छा मीनू बताओ, ठंडा लोगे कि गरम? ना ठंडा ना गरम, बस 2 मिनट बात करेंगे बैठ के नरम नरम। देख यू तो रही मजाक की बात, तू घर में अकेली रह वेगे पूजा? तेरे परिवार वाले कहाँ हैं, कहीं गए हैं के? प्रेम मेरे घर में सिर्फ 2 आदमी हैं, एक मेरे पिताजी और एक मैं। मेरे भाई की मौत के बाद मेरी माँ सदमे में चली गई थी, वो बीमार रहने लगी, और एक दिन उस बीमारी ने उसकी जान ले ली, और वाम ने रोती हुई छोड़ कर चली गई। चार आदमियों का हंसता खेलता परिवार था हमारा, गरीब 2 ही रह गए, मैं और मेरा बापू। तू घनी बहादुर और मजबूत लड़की है पूजा, रो मत, भगवान को जो मंजूर था वो हो गया। मैं आज तेरे से वादा कर रहा हूँ पूजा, मैं अपनी जान से ज्यादा तुझे प्यार दूंगा और अपनी सारी खुशियां तेरे ऊपर वार दूंगा। प्रेम मैं भी तने खुद तो ज्यादा चाहूंगी। अच्छा मुझे अब इजाजत दे, मुझे देर हो रही है, मुझे अपने गांव जाना है। ठीक है, पर तू तावड़ा सा आ जाइए। हाँ 2 दिन मालूंगा। ठीक है। लज्जो, ओ लज्जो, आजा ठंडा पियेंगे। लाला जी एक बात बताओ, तुम्हें डॉक्टर ने मना कर रखा, तुम्हें शुगर की बीमारी है, मिठा खाने को मना करा है ना, फिर भी रोज रोज ठंडा लेके आ जाओ। अरे शुगर अब ठीक है, और दिक्कत मरना तो एक दिन है ही, तो खा पी के ना मरेंगे? हाँ मर जाओ पहले, बच्चों की ब्याह ना करने तुम्हें। चलो बड़ा तो ऐसा है, लेकिन छोटे का तो करना है ना। अरे ब्याह भी हो जाएंगे, खा पी के मौज करो। प्रेम आ गया। मम्मी नमस्ते, पिताजी नमस्ते। इधर है बेटा, भगवान तुझे खूब तरक्की दे, ले ठंडा पी।
देख ले बेटा, तेरे पिताजी को पता थे कि मेरा बेटा आ रहा है, इसलिए ठंडा लेके बैठे तेरे लिए। अच्छा बेटा एक बात बता, तू अचानक से कैसे आ गया, ना कोई फोन करा? कम से कम तेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के तो रखती मैं। अरे मम्मी मुझे पकवान की जरूरत ना है, मेरी आत्मा तो तेरे हाथ की चटनी रोटी खा गई, तरफ तो जा। अरे भगवान तू भी हद कर है बिल्कुल। अरे हमारा बेटा हरियाणा से लेकर आया है, भूख लग रही होगी, पहले रोटी टूक खावा दे, बात बाद में कर लीजिए। चल तो बेटा तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे रोटी खा रही हूँ। अरे ना मम्मी रोटी मत बना, मैं तो रस्ते में ढाबे पे खाया था, भूख लग रही थी बहुत तेज, अब तो मैं रात को ही खाऊंगा। अच्छा बेटा तो ठीक है, शाम को मैं तेरे लिए मखाने खीर और आलू के पराठे बना दूंगी। अरे प्रेम बेटा तेरी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, तुझे वहाँ कोई दिक्कत तो ना आ रही है? पिताजी वहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पढ़ाई भी ठीक चल रही है और एग्जाम की जम के तैयारी कर रहा हूँ मैं। बेटा भगवान तुझे हर परीक्षा में पास करे। माँ देव भैया कहाँ है, दिखाई ना दे रहा? अरे बेटा उसकी के पूछे, वो निकम्मा घर में टिकता ही नहीं है, या तो वो कहीं दारू पी के पड़ा होगा या कहीं जुआ खेल रहा होगा। भाई प्रेम हम तेरे नशेड़ी भाई ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ दिया, उसने हमारी सारी इज्जत मट्टी में मिला दी। माँ दो रोटी दे, भूख लग रही। अरे सत्यानाशी रोटी की जगह जहर क्यों ना खा लेता, कम से कम कलेश तो खत्म हो, हमारा पीछा तो छूटे। भाई ले तो ठंडा पी। अरे छोटे तू कदा तो मैंने देखा ही नहीं। भैया क्यों होगा तेरी समझदारी को, तू ही अपनी बुरी लत छोड़ क्यों ना देता। छोड़ दूँ सब छोड़ दूँ, पहले तुम्हें बता तू ठीक ठाक तो है, तुझे हरियाणा में कोई परेशान तो नहीं कर रहा? मुझे बता दिए गोली मार दूँ एक एक। अरे मेरे भाई तू किसके गोली मारेगा, अगर तू ऐसी दारू पीता रहे ना तो कुछ दिन बाद तू खुद ही मर जाओगा। और रही बात मेरी राजी खुशी की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुझे भी बिल्कुल ठीक देखना चाहूँ। ये दारू पीना जुआ खेलना छोड़ दे भाई, अपने बुढ़े माँ बाप की कुछ तो फिक्र कर ले, और छोड़ दे दारू पीनी। छोड़ दूँ दारू पीना भी छोड़ दूँ, जुआ खेलना भी छोड़ दूँ, चोरी चकारी सारे काम छोड़ दूँ, मैं तेरे से प्रॉमिस कर रहा हूँ भाई, अब तो तू खुश। भाई खुश तो मैं उस दिन होऊंगा जिस दिन तू अपना करा हुआ प्रॉमिस पूरा करेगा। हेलो सो गया था कि? अरे नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर है, मैं छत पे घूम रहा था और तुझे याद कर रहा था। इसका मतलब तने भी मेरी याद आ रही है? हाँ और ना तो के, तुझे आ रही थी मेरी याद? पागल याद आ रही थी जब भी तो फोन करया है। यार तेरे प्यार ने तो पता ना मेरे पे के जादू चढ़ा रखा है, दो दिन की जुदाई भी महीनों जितनी लंबी लग रही है। मेरा भी यूँ हाल है, अरे तू दो दिन कॉलेज में नहीं दिखेगा ना मेरा तो कती भी जी ना लगे। बस दो ही दिन की तो बात है, फिर 100 की स्पीड से अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा के तेरे धुरा लूँगा। बावड़ा हो गया के, इतनी स्पीड तक बाइक चलाने की कोई जरूरत ना है, जब तेरे कुछ हो गया तो फिर मेरा क्यों होगा, तू 20-30 की स्पीड ते आ जाइए। अरे ठीक है मेरी जान, जैसा तेरा आदेश मैं वैसे ही करूँगा। चली प्यारी सी किस कर दे, तू आराम से सो जाइए। ठीक है अब सो जा, गुड नाइट। क्या लिख रहा है इसमें जो इतना हंस रहे हो? एक तीन बालकों की माँ 60 साल के बुड्ढे गल भग गई। उठ गया बेटा? हाँ माँ उठ गया। अच्छा तू फ्रेश हो ले नहा ले, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। ठीक है बना दे, जल्दी आइए।
प्रेम की माँ, महारा प्रेम, जिसने कलेक्टर बनेगा ना उस दिन पूरे गांव में ढोल बजाऊंगा, प्रसाद बटवाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है अपनी प्रेम की मेहनत पे, वो एक दिन कलेक्टर जरूर बनेगा जी। काश महारा देव भी हमारे प्रेम जैसा लायक होता ना, तो मैं देव को पढ़ा लिखा के इंस्पेक्टर या डॉक्टर जरूर बना देता। माँ जब लिया नाश्ता। लेके आ रही हूँ बेटा। होगा बेटा तैयार? हाँ पिताजी हो गए तैयार। ले बेटा आराम से खा ले। माँ देव भाई ने उठा सो गए, वो भी मेरी गैल नाश्ता कर लेता, हमें गैल नाश्ता करवे साल लो होगी। अरे बेटा अब तेरा देव भाई मारा ना रहा, अब वो तो दारूगा हो गया है। बेटा दिन बाद में लिखड़ा है वो घर पहले छोड़ दे, आज भी सूरज बाद में लिखड़ा ऊपर लिखड़ा घर से, उधर बेटा नाश्ते में भी दारू पी गए। हद होगी भाई, कल तो मैंने भैया को समझाया था और वो समझ भी गया था, फिर लिखड़ गायब करना है। बेटा ये डेली का काम है, दिन बाद में लिखड़ा है ठेके पहले जाते बैठे है, यू शराब तो उसके जो है ना उसके खून में समा गई, अब उसे सुधरने वाला नहीं है। तब मायूस मत हो पिताजी, उसे सुधारने का फर्ज मारा है और मैं यू फर्ज जरूर निभाऊंगा, के पता सुधर जा। तुम दोनों आराम से बैठो, मैं उसे ढूंढ के ला रहा हूँ। अरे बेटा सुन तो सही, नाश्ता तो करता जा। उस बेबड़े के चक्कर में मेरा बेटा भूखा चला गया है, एक काम करो जी तुम ही खा लो, तुम्हें भूख लग रही है। अरे के खा ले, मैं उसके लिए और बना दूंगी। तेरे बेवड़े ने हमारी तो भूख और प्यास सारी मिटा कर रख दी। ले भाई देव, यू बाजी भी तू हार गया। ले भाई देव ये है मेरी 20,000 की चाल, अब तू बता तेरे पास कुछ और माल है जुआ खेलने को? लाला चेतराम का छोरा हूं मैं, माल की कमी ना मेरे दौर है। माल बहुत है, 100 ना मानो मुझे। देखो एक कंगन की कीमत 35,000 रुपये है, 20,000 की चाल न थारी, चलो लो मेरी भी 20,000 की चाल। हुकुम की चाल है। ये ले हुकुम का इक्का। ले भाई उरा हुकुम का एक और जीत गया मैं भी। ओए तू है जीत गया इक्का, मैंने कह रहा था हुकुम का इक्का। अरे हुकुम का इक्का मेरा, देखा नहीं? अरे मेरा था। अरे क्यों झूठ वाला, तेरे को कहां था क्या झूठ वाला तू? मैंने कह रहा था मैं जीत गया। अरे तुझे नशा हो गया, हुकुम का इक्का मेरा। हां भाई देखा नहीं तुमने? ओए झूठ नहीं बोल रही हूं भाई, तेरा कैसे हो गया? हुकुम का इक्का तो मेरा था। अरे मेरा हुकुम का इक्का, चुप बैठ जा। किसका दोगा भाई? अरे किसका? अरे तुम सारे मिले हो, तुम्हें तारी रुक जाओ, तुम्हें बताओ। शर्मनाती है, घटिया काम करते
अगर मैं आज टाइम पर आता तो तुम्हें जान से मार देते। चलो घर को। पता ना जन मैंने कौन से पाप करे जो तेरे जैसा कपूत पैदा होगा घर में। अरे तुम दोनों मुझे क्यों कोस रहे हो? ऐसा मैंने के जुलम कर दिया। अरे तने के जुलम कर दिया? तने सारा घर तबाह कर दिया जुए दारू के चक्कर में। अरे छोड़े, तू फालतू मत बोल नहीं तो एक लगाऊंगा रैबिट तेरे मुंह पे। अच्छा रे बेईमान, तू हाथ उठाओगा इस पर? अरे रहन दो जवान औलाद, हाथ मत उठाओ। पिताजी रहन दो बस। प्रेम बेटा, इस नालायक ने घर की सारी कीमती चीज बेक बेक कर दारू भी भेज चढ़ा दी। इसके कर्जे तहार तहार का मैं कर्जदार हो लिया। इस नालायक की वजह से मेरी दुकान भी बर्बाद होगी। मैं पाई पाई को मोहताज कर दिया इस नालायक ने। मेरे घर का नाश कर दिया। मैं पैसे को मोहताज बना दिया इस नालायक ने। पिताजी तुम दिल छोटा मत करो, मुझे एक बार कलेक्टर बन जान दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा मैं अब चल रहा हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। बेटा अपना ख्याल रखियो, आराम से जाइयो। संभल के जाइए बेटा। ठीक है पिताजी। अगली बावली हो रही है, हिम्मत रख, हमारा बेटा कलेक्टर बनकर आवेगा। चुप हो जा। स्टैंड अप, खड़े हो, क्या बदतमीजी है? खड़े हो क्या है बिरजू? तेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं है, तू नहीं बनेगा कलेक्टर, तू तो एक नंबर का लफंडर बनेगा। मास्टर जी, मैं चौधरी धर्मवीर लंबरदार का बेटा हूँ, मने ना कलेक्टर बनने की जरूरत। तो क्या बनना है? मने तो पूजा का दुल्हा बनना। सिंगाड़े बरगी शक्ल के, तू यार पढ़ाई करना है ना तो चुपचाप बैठ कर अपनी पढ़ाई कर, मने इसे मजाक पसंद को नहीं है, समझा तू? सर जी, जो तुम कहो तो मैं भी अपने मन की बात कहना चाहूँ। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? मन की बात तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, तुम भी कहो। अजी मैं तो न्यू कहूँ था, इन्हें लड़कियों को डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर बनने की के जरूरत है। तो तू के कहना चाहवे? छोरी पढ़ना छोड़ दे, तने बेरा भी है, आजकल छोरी छोरो से भी आगे है। वो तो मुझे भी पता तुम आगे हो, पर मैं तो न्यू कहना चाह रहा, तुम पढ़ाई करके रपू में क्यों आग लगा रही? तुम थानेदार के चले जाओगी थानेदारनी, पुलिस वाले के चले जाओगी पुलिस वाली, डॉक्टर के चली जाओगी डॉक्टरनी, कलेक्टर के चली जाओगी कलेक्टरनी, फिर तुम कलेक्टर की पढ़ाई क्यों कर रही? सुन ले मनोज, मेरी क्लास में इस तरह की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। तुझे फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, नहीं तो प्रिंसिपल सर से कह के तुझे रेस्टिगेट करा दूंगा। मैं कमिन सर। यस कम, सिट डाउन। चल भाई रंगीले, उधर को जा। नहीं भाई मैं नहीं होने का, मेरे को डगू बुखार आ रहा, मुझा वहां भेज जा दूसरी जगह। साले तुम 12 महीने बीमारी रहोगे। प्रेम तुम हमारे पास आ जा। भाई पनी जोड़ी के बात है, आजकल के खारी निखरती जा रही। आए तू के खारा, दिन पर दिन काड़ा होते जा रहा। लो जी यो आ गया थारा शिकार। हाँ भाई शहजाद, आ जा बैठ। अरे भानी ऊपर बैठ आराम से। बाबूजी मेरी इतनी औकात का जो मैं थारे बराबर में बैठ जाऊं, मैं तो यही ठीक हूँ। अच्छा भाई तूने बता, तेरी जो 5 बीघे जमीन से उसका बैनामा तुम्हारा करेगा कि नहीं? बाबूजी 30 लाख की जमीन 1 लाख में कैसे दे दूंगा बाबूजी?
1 लाख बता रहा है उसके। अरे उस 1 लाख के तो ब्याज लगाकर 10 लाख हो गए। इतने की तो तेरी जमीन भी कोनी, उसमें से आधी जमीन LMC की से, उसने सरकार ले लेगी। बाबूजी आगे पीछे जमीन का जो टुकड़ा है इसे ही तुम ले लोगे, मेरे हाथ में तो जी कटोरा आ जाएगा बाबूजी। इतना जुलूम मत डाओ बाबूजी, गरीब आदमी पे इतना जुलूम मत डाओ बाबूजी, ऊपर वाले से डरो। चंदर बताओ जी, कर दो इसका काम बाबूजी। नहीं बात सुन ले रहे शहजाद के बच्चे, यासो टपका के चिलत्तर से तो मन ने दिखावाना, अब न्यू बता वो जमीन जीते जी करेगा ना तो तेरे मरने के बाद वो मारी हो जाएगी, या तो तू जीते जी करवा दे ना तो तेने मार के करेंगे। अब बता तू जीना चाहा या मरना चाहा। बाबूजी जब मैं मरी जाऊंगा तो मैं जमीन का करूंगा के, चलो जी करवा लो ना। सुकरमपाल गाड़ी पे कपड़ा मारो, तहसील चलना से। प्रेम तू गांव में गया था, मम्मी पापा सब ठीक तो थे? हाँ सब बढ़िया, सब मौज में। अरे यार जब तू गांव में गए था मुझे बता देता, मैं भी तेरी बाइक पर चल पड़ता, मैं भी होता एक दिन करूँ। अरे कोई बात ना भाई, जब अगली बार जाऊंगा फिर मेरी गैल चल पड़ी है। ठीक है भाई। प्याले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे ले, हरियाणा की चोरी पर ध्यान ना दे, ना तो तने अंतर ध्यान कर दूंगा। अरे मेरे बिरजू भाई, मैं पढ़ने आया हूँ, लड़ने नहीं आया। तू मेरी गैल पंगा मत लिए, ना तो तू मुझे क्या अंतर ध्यान करेगा, मैं ही तेरा काम तमाम कर दूंगा। आज ते पाछे पूजा गैला बैठना देख लो तन्ने, ना तो तेरा यमराज थोड़ा ट्रांसफर कर दूंगा। और बिरजू के बच्चे, मैं किसी गेल बैठू उठू खाऊ या गुम्मू तने के लेना इस तरह लेना देना भी बता दूंगा, टाइम आन दे चल रे बियर पियेंगे। अरे यार तू तो रोज हमें सुखी बियर पिया पिया के मार देगा, कदी कदाक लेग पीस भी खवा दे कर। अच्छा रे चलो तो आज तो मैं तंदूरी चिकन खवाता हूँ, फिर तो मजा ही ना आ जाएगा। इसका बापू बहुत दबंग आदमी से नुए तो छड़ता फिर आयो। अरे इसका बापू दबंग है तो हम कौन सा किसी से कम है। पिंकी चलिए अपनी बात कर लेंदे, हम कैंटीन में चलकर ठंडा पियेंगे। ठीक कह रहा तू, हम क्यों किसी की कबाब में हड्डी बनाए। प्रेम यो दिल भी कितना धोखेबाज हो ना, हरियाणा वाले छोरा ने छोड़ के यूपी वाले पे फिदा हो गया। तू यूपी वालों को हल्के में मान रही, हम यूपी वाले जहाँ जावे ना वही अपने नाम के झंडे गाड़ देवे। अच्छा बताइए फिर कित कित गाड़ रखे तने ये झंडे। एक झंडा तो तेरे दिल पे गाड़ रखा। या बात तो तू सच्ची कवे, मेरे दिल पे तेरा एक कब्जा है। हे पारो तेरे से बहुत प्यार करूं मैं, जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगी? जिंदगी भर ना, पूरे 7 जन्म तेरा साथ निभाऊंगी। सोच ले वादा करना तो बहुत आसान हो है, पर वादे को निभाना बहुत मुश्किल हो जा। हरियाणा वाली छोरिया की बतने दिलदारी देखी को ना, जान तक दे दे हैं वादा निभाने में। अजी हाँ अगर तू इतनी बड़ी दिलदार है तो ला थोड़ा सा मुंह मीठा करवा दे। की ना रोक्या है, आजा कर ले। चाहे मेरा जिंदगी सारी तेरी गैल बिताऊं मैं।
अरे मका मान जा, इतनी मत ना घूरे, जान से मार के मानने की के। अब तेरी इजाजत हो तो जाऊं। ना पहले भीतर चाल, चाह पानी पी के फिर जाना है। यू मेरी ससुराल है, जब दुल्हा ससुराल में पहली बार आवा ना तो दुल्हन को अपनी गैल लेके जावे। अब तू ही बता, दुल्हन बन के अभी मेरी गैल चलेगी या बाद में हो बरात लेके? अंकल राम राम। राम राम बेटा, राम राम। पूजा, ये छोरा कौन सा है? पापा, यो प्रेम से बागपति यूपी का रहने वाला और मेरी ये लग कॉलेज में पढ़ रहे। अंकल जी, वो आज कॉलेज में देर हो गई थी इसलिए मैं पूजा को छोड़ना आ गया था। अरे बेटा, यू तने बहुत बढ़िया करा, फिर यहाँ कुकर खड़ा, भीतर न चाल, चाय पानी पी ले। नहीं अंकल, चाय पानी तो किसी और दिन पीऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा, राम राम। राम राम बेटा, बाय। माँ, भूख लग रही, कुछ भूख का जुगाड़ कर। लाजो, आ गया तेरा सपूत, खवा दे से देसी घी के पकवान। बिजार दफ्तर सा है ना, हार सकते। अरे कपूत, तेरे चक्कर मुझे भी ताने सुने पड़े। अब भी समय सुधर जा, नास पिटे, इन बुरे कर्मों को छोड़ दे, तेरी समझ में ना आती। अरे तू मुझे भाषण क्यों सुना रही, ला के रोटी क्यों ना खुआ रही? रोटी खिला दो, सुधरने का नाम ना है, रोज रोज पी के आ जाए। मेरे बस की ना है तुझे टिक्कड़ खिलाने, होटल से खाए क्या कर। कैसी माँ है तू, अपने बालक को तो रोटी भी नहीं खुआ सकती। चल फिर एक काम कर, तू मेरा ब्याह करवा दे, जब मेरी बहू आ जाएगी वो मुझे अपने आप रोटी बना खुआओगी। सुन लिया, सुन लिया, अब इसे बनना चाहिए लाड साहब को, इसने हमें तो बर्बाद कर ही दिया। दूसरे की बेटी को लाके दे दो इसे बर्बाद करने को। पिताजी मेरी बात सुनो, ब्याह तो तुम्हें मेरा करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो मैं किसी की लुगाई भागे ले आऊंगा। हाँ बस, लुगाई बहाने का सजा रहेगी थी, इस काम को कर ले बेटा, कोई ऐप छोड़ मत दीजिए।